तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एमएस वर्ड में एक अच्छा खासा एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अचीवमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट बनाया हमने एमएस वर्ड 2010 में। आप चाहे तो कोई भी वर्जन ले सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, लेकिन 7 में थोड़ा सा दिक्कत है। और यहाँ पर बनाने के लिए जो भी कलर्स और जो भी इसका बैकग्राउंड इस्तेमाल किया गया है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप यही कलर यही बैकग्राउंड लीजिए, आपको जो इच्छा है वो ले सकते हैं, जो कलर पसंद हो वो ले सकते हैं, ठीक है। तरीका सिर्फ आपको बताते हैं कि किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर वर्ड हमने खोला है, ओरिएंटेशन पेज का लेते हैं, लैंडस्केप, ठीक है। तो इस पेज को मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, और एक दूसरे को जो बना के सीख रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये पेजेस है जो पीडीएफ में है, और यहाँ पर ये पेज है ब्लैंक पेज एमएस वर्ड में। आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक बॉर्डर लेंगे जो कि मैंने लिया है ऑरेंज कलर का। तो यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं और शेप से लेते हैं एक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ओरिएंटेशन थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा खिसका खिसका के करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे जितना आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो करने के लिए। ये पेज का कितना हिस्सा लेना है बता देता हूँ आपको। पेज के लगभग इतना ही लेना है, लगभग जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा ले लेना है, ठीक है। देखो इस तरह से लगभग इतना बड़ा ले लेना है, ठीक है, A4 का एक एक इंच चारों तरफ से छोड़ के, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से बनेगा, ठीक है। हाँ तो स्क्रीन सेट हो गया। अब हम यहाँ पर इसको अब दोबारा सेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ अब देखते हैं वो ऑप्शन, सॉरी यहाँ से हट गया ऑप्शन, तो दोबारा से ऑप्शन लाते हैं और देखते हैं। हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इतने इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लिया और उसका कलर जो है मैं फील कलर में से, हमें फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे तो इसका फील कलर ये वाला है, ये इसका आउटलाइन कलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फील कलर पे नो कलर कर दिया है, और आउटलाइन पे हमने इस जगह से हमने लिया था, कहाँ गया वो, ऑरेंज कलर इस तरह, ठीक है। ये आउटलाइन कलर अगर आप लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, फील कलर अगर नो फील करते हैं तो आउटलाइन में आपको जो इसका वेट है वो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और इस तरह से ऑरेंज कलर कर देंगे, या इसको डार्क ऑरेंज पे भी कर सकते हैं। कहाँ गया, ये आउटलाइन का है डार्क ऑरेंज, या इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। लेने के बाद हमने दोबारा एक लिया है, ठीक है, दोबारा एक, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इसी कलर को लेना है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इस बॉक्स को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से एक दूसरा बॉक्स ले लेंगे, यहाँ पर पेस्ट करके देख सकते हैं दूसरा बॉक्स, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यह दूसरा बॉक्स जो आया है इसको भी ऐसे सेट कर देंगे, कोने कोने तक, आखिरी तक, यहाँ तक सेट करेंगे, ठीक है, और इसको भी यहाँ तक सेट कर देंगे, ठीक है। कीबोर्ड की एरो की मदद से लेंगे तो आपको और आसानी से सेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब इसकी जो कलर है, इसके कलर में भी आप कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ भी कलर ले सकते हैं, कलर की आपकी मर्जी है कलर लेना, कलर मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर कलर कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए ग्रीन लेते हैं, मान लीजिए हल्का ऑरेंज लेते हैं, या लाइट ऑरेंज लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तीसरा बॉक्स, इसी का एक दूसरा बॉक्स फिर पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट करते एक दूसरा बॉक्स आ गया, ठीक है। तीसरे बॉक्स का आउटलाइन हमने थोड़ा सा अलग किया, क्या किया, यहाँ पर आउटलाइन में डॉटेड कर दिया, ठीक है, डॉट डॉट जैसे करते हैं ना वैसे किया है, ओके। ध्यान से देखिएगा, वीडियो कितना भी लंबा हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सीखना है, ठीक है, और परफेक्ट बनाना है, ओके। तो इसको यहाँ तक हमने कर दिया, ठीक है। इसकी जो आउटलाइन है, ठीक है, आउटलाइन का जो इसके ड्रेसेस है, ड्रेसेस का हमने इस तरह से बिंदी बिंदी लिया है इस तरह से, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया है, यहाँ से ऐसे कम किया, ठीक है। ये फॉर्मेट हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। और इसके कलर, इसका जो फील कलर है पहले वाले बॉक्स का, फील कलर में हमने लिया है ब्लू कलर जैसा, ठीक है।
तो वो कलर हमने फील इफेक्ट में हम गए और यहाँ से हमने ग्रिड लाइंस पे गए। ग्रिड लाइंस में यहाँ पर ढेर सारा कलर है, जो भी कलर लेना ले सकते हैं। हम यहाँ पर गए मोर ग्रिड लाइंस में। मोर ग्रिड लाइंस पे जाने के बाद ये चीज़ आता है, यहाँ पर लेते हैं ग्रिड लाइंस फिल। ठीक है, ग्रिड लाइंस फिल में यहाँ पर देखिए इसको हमने कम ज़्यादा कर दिया। और यहाँ पर ये जो इसकी डायरेक्शन है, ये हमने ये वाला लिया था, आप साइड वाला ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसको ग्रिड लाइन स्टॉप जहाँ पर आप स्टॉप करना चाहते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोने से कलर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको मर्जी हो, अच्छा हो ऐसा ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैं ब्लू कलर लेता हूँ, उसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ब्राइटनेस यहाँ तक ब्राइटनेस रखते हैं तो ज़्यादा डार्क हो गया। ठीक है, ऐसे कर लिया, आप चाहे तो लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, कलर आपको जो मर्जी चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ये नहीं बताऊँगा कि यही कलर लीजिए। ठीक है, अब आती है इसकी कोने की ऑप्शन बनाना। ठीक है, कोने के ऑप्शन के लिए हमने लिया है, यहाँ से स्क्वायर लिया है। स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर गए, ये एडिट पॉइंट के बोलते हैं इसे, एडिट पॉइंट पे हमने एडिट पॉइंट सिलेक्ट किया और एक कोना पकड़ के हमने इसको यहाँ तक ऐसे मिनिमम एक ऐसे शेप दे दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसे हमने कर दिया आउटलाइन ऑफ, नो आउटलाइन, और इसका कलर अभी हम कुछ और कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लिया। ठीक है, अब इसको खिसका के हमने कर दिया बिल्कुल कोने में पेस्ट, एकदम एरो की मदद से ऐसे कोने में लगा दिया। ठीक है, आप बार बार देख सकते हैं कैसे लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे लगाने के बाद फिर इसी का हमने एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट करके एक नया ले लिया, जो कि हमने इस कोने में लगाना है। तो इसको हमने राउंड घुमा दिया। ठीक है, ठीक से नहीं घुमा बेटा, हाँ थोड़ा सा और, हाँ ठीक है। घूमने के बाद इसको हमने लगा दिया बिल्कुल किनारे, देखो। ठीक है, इस तरह से आपको चारों कोने में लगाना है। ठीक है, फिर से कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी करने से क्या है कि कलर इसका शेप इसका जो साइज है वो सेम आता है और हम इसे कैसे भी करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये लग गया, फिर कंट्रोल वी करते हैं, फिर एक आ गया, फिर इसको यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए ये लग गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसी का फिर से एक लिया था और कंट्रोल वी से, और इसकी साइज़ थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया, यहाँ से ऐसे थोड़ा छोटा कर दिया, छोटा करके इसके जस्ट यहाँ पर लगा दिया ऐसे, ये देखिए इस तरह से लगाया, बहुत आसान है, इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ठीक है, अब इसको हमने कंट्रोल वी, इसी को कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी करते हैं, फिर ये छोटा छोटा आ गया। अब छोटे वाले को इधर घुमा के यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, और एरो की से, आपके कीबोर्ड में जो एरो की है आप माउस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर से कंट्रोल वी, फिर से नीचे और यहाँ पर आ गया। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखना है ना, तो आप सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि गड़बड़ी अगर हो तो आप खुद ही इसे सॉल्व कर सको। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा बच गया एक कोना और, तो उसे भी कंट्रोल वी करते हैं, एक और आ गया, और इसको भी हमने इस वाले साइड पे चिपका दिया। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हाँ अभी ठीक आया है। अब इसको हमने इस लास्ट वाले कोने पे लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा अलग जा रहा है। ठीक है, ये लग गया, और अब इसको फिर से कंट्रोल भी कर दिया ताकि एक और आ जाए, उसके बाद एक और छोटा कर दिया थोड़ा सा, और ये देखो इसे थोड़ा और छोटा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से लग गया। तो ये बनाना बहुत आसान है, तो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे तो इसके एक और आ जाएगा, आप इसको घुमा भी सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको घुमा सकते हैं, और घुमा के सीधे यहाँ पर कीबोर्ड की मदद से, एरो की मदद से, मैं ये फटाफट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा आराम से बिल्कुल कोने कोने तक लगाना, ताकि आपको परेशानी ना हो, हम बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, दिखने में अच्छा लगेगा, मैं आपको तरीका बता दिया, अब आपको मेहनत
आपको करनी है, ठीक है। तो ये हो गया, एक और ले लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये चारों एक कोना बता के आपको छोड़ सकते थे, बाकी आप कर लेते, लेकिन हमने चारों कोना बताया वीडियो में, लंबा हो गया वीडियो, कोई बात नहीं, आपको सीखना है और अच्छे से करना है, ठीक है। ये लग गया। अब यहाँ पर होगा कंपनी नेम, जो भी आपका कंपनी है उसका नेम लिखेंगे। तो इंसर्ट में चलते हैं और टेक्स्ट वर्ड आर्ट में चलते हैं, ठीक है। हमने ये वाला लिया था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कंपनी नेम, तो कंपनी नेम ने हमने कर दिया अब अपना चैनल का नाम हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। थंबनेल में आपको कंपनी नेम वाला दिखा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया यहाँ पे, जो भी आपका कंपनी नेम है, और इसकी कलर, ठीक है। इसको ये वाला टेक्स्ट कलर होता है, जो भी कलर आप लेंगे वो टेक्स्ट में फिल होता रहेगा, ठीक है। तो इसका कलर हमने कुछ और ले लेते हैं, क्या लूँ भैया बताओ बताओ, रेड कलर ले लिया। और इसका आउटलाइन, नो आउटलाइन करेंगे अभी, ठीक है। नो आउटलाइन हो गया, कंपनी नेम हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखने के लिए इसी का ही एक और पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। देखिए दो हो गया। अब इसको एडिट ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। और 7 में करेंगे तो एडिट लिख के आएगा, उस पर आपको जाना है। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया था ये वाला, कहाँ गया, हाँ, अल्जीरियन, ठीक है। अल्जीरियन हमने लिया था ये सर्टिफिकेट में लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, फॉन्ट ले लिया, इसको डिलीट करो, CERTIFICATE सर्टिफिकेट। और इसका जो शेप आप गोल जैसा दिख रहे हैं ना, इसका शेप हमने यहाँ से चेंज किया था, कहाँ गया वो, इसको बड़ा करते हैं। इसका जो शेप है वो हमने 3D ऑप्शन, ये 3D रोटेशन, अरे कहाँ चला गया वो, यहीं था ना, सॉफ्ट एज, देखो मैं ही खुद ही भूल गया कि कहाँ था अभी हम, रोटेशन उसको ढूंढ के छोड़ेंगे, आपके सामने ढूंढते हैं। और टेक्स्ट ये है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म से हमने ये वाला लिया था, और इसको इस तरह से थोड़ा सा इसका के थोड़ा मिडिल में कर दिया था ऐसे, ठीक है। अब इसको फिर से छोटा कर लेते हैं, और आप बताएंगे ये वाला कैसे कर रहा हूँ, ये वीडियो बना चुका हूँ इसके लिए, दोबारा मैं भेज दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और इसके कलर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पर कोई भी कलर यहाँ से चूज करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ अचीवमेंट, अब ये वाला लिखना है और ये वाला सिंबल लेना है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए इंसर्ट में जाना है और शेप में देखना, ढूंढना, मैं तो पहुँच जाऊँगा लेकिन आप ढूंढना कहाँ है। देखो यहाँ पर हमने ले चुका हूँ तो यहाँ पर थे, लेकिन वो शेप यहाँ आता है, स्टार्स एंड बैनर्स में आता है, ये वाला जो आपको पसंद है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यानी ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद इसका एक अपना कलर आता है, और इससे इसकी चौड़ाई मोटाई कर सकते हैं, और इससे इसको छोटा बड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ, और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। और इसके कलर आपको जैसा मर्जी देना है दे सकते हैं। तो यहाँ से हम फिल कलर में चलते हैं, और यहाँ से हमने कलर दे दिया, और आउटलाइन में अच्छा ही कलर है, अगर आप चाहते हैं आउटलाइन में कुछ और कलर देना तो यहाँ पे दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है ऑफ अचीवमेंट, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये जो है ना, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करिए, दोबारा जब आ जाएगा तो इसके एडिट ऑप्शन पर चले जाना और यहाँ पर लिख देना ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। आप अचीवमेंट लिख दिया, और इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करना है हमें, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर आना है, ठीक है। तो इसको हमने ये, ठीक है, और यहाँ पर इसको सेट कर देना है, ठीक। और इसके कलर में आपको करना है टेक्स्ट कलर यहाँ से, यानी ब्लैक कर दिया, ठीक है, ये सेट हो गया।
ऐसे नहीं कि ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम एज इट इज बनानी है, आप कुछ भी कैसा भी फॉन्ट जो आपको पसंद हो जैसा पसंद हो वैसा आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक लाइनिंग खींचेंगे, तो लाइन के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से आपको एक लाइन लेना है ये वाला, ठीक है। अब लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींच सकते हैं, लाइन की कलर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लाइन की विड्थ कितना मोटा होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं, और लाइन के डैशेस जो है वो आपको बिंदी बिंदी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम लिखना है, जो उसमें हमने यहाँ पर नेम लिखा है ना, वहाँ पर नेम लिखना है, ठीक है। तो नाम, क्या नाम है आपका, तो मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, ठीक है। और इस तरह से आपको नाम आपको किसी भी फॉन्ट में लिख सकते हैं, आपको देख लेना कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लगता है लिख देना, ठीक है। यहाँ पर हमने नहीं बताया कि ये वाला फॉन्ट वो वाला फॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर सुपीरियर अचीवमेंट एंड एक्सीलेंस इन, नीचे यहाँ पर लिखना है, तो फॉर सुपीरियर एक्सीलेंस को हमने जिस फॉन्ट में लिखा है आपको दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया है, शेप में जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ पर पूरा लिख दिया फॉर सुपीरियर अचीवमेंट एंड एक्सीलेंस इन, ठीक है। और इसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी बड़ा किया, और इसको पूरा, अब ये वाइट हो गया ना, इसको क्या करना है, शेप को, इस शेप को नो शेप करना है, नो फिल, और आउटलाइन को नो आउटलाइन करना है, बस हो गया काम। आप यहाँ पर भी कभी पेज फिलिंग नहीं करना, आप टेक्स्ट बॉक्स लेके अगर आप करते हैं तो आपको सबसे अच्छा यहाँ पर होगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लेके करते हैं, अब इसका फॉन्ट राइट क्लिक करेंगे या कंट्रोल डी, कंट्रोल डी ध्यान रखना फॉन्ट है, और यहाँ पर दिलीप के भी आ रहा है, आपको जो फॉन्ट यहाँ पसंद हो एक एक करके डाउन एरो प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो फॉन्ट आपको पसंद हो यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने ये वाला फॉन्ट लिया था, इसका नाम है ब्लैक, क्या लिखा है, ब्लैक एडर ITC, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये थोड़ा छोटा हो गया तो फिर से बड़ा कर लीजिए, ठीक है, और इसको भी ताकि ये पूरा दिखे, ये नीचे कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, कुछ ज़्यादा छोटा भी हो गया, तो इसकी साइज राइट क्लिक करते हैं और फॉन्ट में चलते हैं, और इसकी साइज यहाँ से 36 नहीं करेंगे हम, यहाँ पर इसकी साइज करेंगे 42, ठीक है, 42 में ये अच्छे से आ गया। तो मैनुअल साइज भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। देखिए ये हो गया, अब यहाँ पर नीचे एक और लाइन डालेंगे, ठीक है। लाइन डालने के बाद डेट, सिग्नेचर और कंपनी का लोगो, कंपनी लोगो कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, जो मर्जी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो कंपनी लोगो जो मैंने पहले इसको बनाया है वहाँ से मैं कुछ को उठा लेता हूँ, क्योंकि बार बार करूँगा। अच्छा, कंपनी लोगो बनाने के लिए कैसे करेंगे, इंसर्ट बता देता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, और आपके सिस्टम में जहाँ पर लोगो है वहाँ से लेंगे, और ये जो आ गया है इसको आपको क्या करना है, देखिए हम बड़ा कर लेते हैं इसे, इसको जो ये जो रफ टेक्स्ट है, ठीक है, रफ टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है ताकि आपको सामने आ जाए, इसको ध्यान रखना हमेशा। आपको पिक्चर लेने के बाद ही इसको तुरंत करना है ताकि वो सिलेक्शन बैकग्राउंड में ना चला जाए, बैकग्राउंड में जाएगा तो फिर आपको परेशानी होगी उसको लाने में, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जाने से पहले ही आपको उसे सामने लाना है, समझ गए, समझ गए, आप बहुत समझदार हैं, हमारी वीडियो बहुत दिनों से देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख भी लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसको दोबारा सेट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ पर है। हाँ जा भाई, ठीक है, ये लोगो आ गया। अब आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है, एक्सीलेंस इन किस में हुआ है, वो आपको पेन से जो भी डायरेक्टर होते हैं, जो भी ऑफिस का ऑफिस बॉस होते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, तो एक लाइन उसके लिए खींच देते हैं, या इस लाइन को आपको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए लाइन सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो ये बड़ा सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि ऊपर आ रहा है, तो लाइन खींच लेते हैं दादा, चलिए खींचते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। हमने एक लाइन खींची, लाइन आ गया, लाइन की जो डैशेस है
और थोड़ी मोटी कर लेते हैं, और ज़्यादा मोटी हो गया हाँ, और फिर से यहाँ से इसको कलर, ये वाला कलर दे देते हैं, और इसको बिंदु बिंदु दाने दाने डॉट डॉट, ओके ठीक है ये हो गया। तो नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा जगह रख देते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे डेट और सिग्नेचर। मैंने क्या बताया था, डेट सिग्नेचर कुछ भी लिखने के लिए आपको लेना है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पर भी दिखेगा, सेम है आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर आपको लिखना है डेट। अच्छा, अब जो डेट आपने लिखा है मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, और इसके फॉन्ट के लिए क्या बोला, कंट्रोल डी, ठीक है। अब इसकी फॉन्ट देखिए, डेट लिखा है ना इधर, तो इसका फॉन्ट हमने वही वाला लिया था, तो उसका ढूंढते हैं कहाँ गया वो, ये रहा ठीक है, ब्लैक एडर आईडी से। तो ये वाला दे दिया, थोड़ा तो बड़ा कर देते हैं और नीचे को खींच देते हैं, ठीक है। और इसकी जो आउटलाइन है बिल्कुल नो कर देंगे, और फिल भी नो आउटलाइन कर देंगे, और इसको एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्यों, क्योंकि हमें सिग्नेचर भी लिखना है ना, तो दोबारा क्यों ले भाई, ठीक है। तो यहाँ पर खाली इसको मिटा दो, और बस हो गया सिग्नेचर आ रही, ये देखो आ रही आ गया ये। चाहो तो आप इसको सेटिंग करके थोड़ा सा नीचे खिसका सकते हैं, ठीक है। लोगों को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब सिग्नेचर और डेट के लिए एक निशान लगा देते हैं, ताकि वहाँ पर सिग्नेचर कर सके, ठीक। तो उसके लिए लाइन, चलो इस लाइन को ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी आ गया। अब ये बिंदी से पकड़ के इसको छोटा कर दो, और क्रेयॉन पकड़ के यहाँ ले आओ, टेढ़ी जा रहा है ना, सीधा करो, ये हो गया। फिर छोटे को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब आ गया। अब इनकी कलर आप जो आपको पसंद हो, मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने यहाँ किया है उसी को आपको लेना है, जी नहीं, आपको जो पसंद हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा ऊपर करें ताकि जगह भी बचे, ठीक है। टेढ़ा सीधा अपने आप देख लेना कैसे करना है। तो ये था, मैंने प्रैक्टिस किया बना के, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, और ये आपको बना के दिखाया कैसे बनता है, आप बड़ा करके देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। 100% कर देता हूँ, ये है इसकी अपना जो साइज है वो है, ठीक है। और वो जो था एक्चुअल में वो ये था, देखिए ये मैंने बनाया था वर्ड में, इसको भी 100% कर देते हैं, ये देखिए ये, ठीक है। थंबनेल में आपको यही दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और आपको कोई भी और बनाना हो तो आप बताना मेरे को, मैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए एक एक करके हम सर्टिफिकेट किस किस तरह के होते हैं, और एक एक डिज़ाइन, जो भी सिंपल डिज़ाइन आपको अगर पसंद आए तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छा है, आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया तो भी बता देना कॉमेंट में, आपको पसंद नहीं आया भैया बिल्कुल ख़राब है बता देना, और मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अच्छा ही लगे इस तरह का बनाने का, ठीक है। तो चलिए तब तक वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।